नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। कहानी उस मोहम्मद की है जो महबूब है, क्योंकि जो महबूब है वही मोहम्मद है और जो मोहम्मद है वही महबूब है। जी हां, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल के करीब गांव के बरखेड़ी गांव में रहने वाले महबूब की। महबूब चर्चे में आए 5 फरवरी को, जब महबूब ने उस बच्ची को बचाया जिसका नाम स्नेहा था। महबूब ये नहीं जानते थे कि स्नेहा हिंदू है कि मुसलमान। उन्होंने देखा एक बच्ची है जो ट्रेन की पटरियों को मालगाड़ी की पटरियों को पार कर रही थी। इसी बीच में मालगाड़ी चलने लगती है, बच्ची रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है। पास में 30-40 लोग भी खड़े थे, उसका भाई भी खड़ा था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि चलती ट्रेन पर मालगाड़ी पर कैसे स्नेहा को बचाया जाए। महबूब ने हिम्मत की, महबूब गए, बच्ची को दबा लिया। महबूब कहते हैं कि जब वो पटरी पर गए और बच्ची को दबाया, उस वक्त उनको ये डर था कि कहीं बच्ची अपने सर को उठा ना दे और उसको नुकसान हो जाए। इस डर से महबूब ने बच्ची के सर को दबा रखा। महबूब कहते हैं कि जब उन्होंने उसकी मदद की तो ये नहीं सोचा था कि वो किस धर्म की है, किस जात की है, बल्कि वो 30-40 फीट दूर खड़े थे। इस बीच बच्ची की चीख उनके कानों से टकराती है। 30-40 लोग वहां मौजूद थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उस मालिक को जिसके सिवा जगत में नहीं कोई दूजा करतार, उसको खुश करने के लिए किया। महबूब की पत्नी रूही अंसारी भी कहती हैं कि उनके धर्म में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि लोगों की मदद करना है, उसमें जात, धर्म, मजहब और तबका नहीं देखना है। लेकिन जो लोग हिजाब के नाम पर, जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर, जो लोग अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर, जो लोग समुदायों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, उनको महबूब का ये मैसेज जरूर देखना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि आज भी स्वामी विवेकानंद के भारत जो कहते थे कि हम आपसे रोटी मांगते हैं और आप हमको धर्म उड़ेल रहे हो, मौलाना आजाद के भारत जो ये कहते थे कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आए और कुतुब मीनार पर खड़ा होकर कि ये कहे कि आजाद अभी आजादी ले लो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से दस्तबरदार हो जाओ, तो आजाद को आजादी में ताखीर यानी लेट तो बर्दाश्त है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी में कोई किसी तरह की दरार बर्दाश्त नहीं है। वो गांधी जो हे राम कहते हुए जय श्री राम कहने वाले ने उनको गोली मार दी और हे राम कहने वाला इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन उसकी नीतियां अजर अमर हो गई। आज उस भारत को जो लोग मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, समुदायों के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को कत्ल करने की बात कर रहे हैं, जो लोग इंसानों को इंसानों से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, मुनव्वर राना के शब्दों में कहें कि जंगों में भैंसे नहीं मरती हैं बल्कि इंसान मरते हैं, नफरत में मोहल्ले तबाह नहीं होते बल्कि मुल्क तबाह होते हैं, तो जो लोग भारत की एकता और अखंडता को तबाह करना चाहते हैं, उनको महबूब की ये दिलेरी, उनको महबूब की इस बच्चे पर स्नेहा के लिए उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए और उनको ये महसूस करना चाहिए कि आखिर आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके, जो अपनी जान को दांव पर रख करके लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। यही तो भारत है, यही भारतीयता है और यही एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा है। क्यों? क्योंकि नफरत करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती और मोहब्बत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप देखिए महबूब क्या फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मोहम्मद महबूब भोपाल से, और ये मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं ये जो उस दिन की जो घटना हुई थी सर, उस दिन की घटना ऐसी हुई थी कि हम नमाज पढ़ के ईशा की अपने कारखाने की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग अभी आ रहे थे, उसमें एक मालगाड़ी आई, वो रुकी, उसके नीचे से कुछ लोग निकलने लगे। एक जो लेडीज थी वो भी निकल रही थी, निकलते निकलते वो जब निकली तो मतलब उनकी ट्रेन चालू हो गई तो वो घबरा गई, तो वो घबराने की वजह से उनका मतलब जो पैर था वो मुड़ गया, तो कुछ लोग वहाँ खड़े थे, बचाओ बचाओ चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। फिर मैंने देखा कि यार ये ऐसा नहीं, कुछ हादसा हो जाए, कुछ लग जाए, कोई इनके आगे पीछे मतलब कोई मदद के लिए नहीं दौड़ा, तो मैं गया, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कर लूँगा ये, और अल्लाह ने मेरे साथ मदद रखी, तो मैं गया, मैंने फ़ौरन उनको बचाने की पूरी कोशिश करी। ट्रेन इसकी स्पीड बढ़ने लगी तो मैंने कहा आप लेट जाइए, लेट गई, और लेटने के बाद जो मैं भी लेट गया, फिर उनका सर पकड़ के मैं नीचे दबा के रखा, और फिर जो ट्रेन पूरी गुजरती रही, गुजरने के बाद जो फिर पूरी ट्रेन निकल गई, उसके बाद में वो उठी, वो अपने जो उनके जो भाई थे उनके साथ गले लग के वो अपने घर होती हुई चली गई।
इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दूसरों को पहुंचाएं, ताकि लोगों को यह पता लगे कि महबूब एक गरीब आदमी जिसके पास अपना मोबाइल तक नहीं है, एक कारपेंटर आदमी, एक बढ़ई का काम करने वाला आदमी, लेकिन उसके दिल में यह जज्बा है लोगों को बचाने का। उसके जज्बे की कद्र करिए और ऐसे लोगों को प्रमोट करिए, प्रोटेक्ट करिए और बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज वतन समाचार को फॉलो भी कर सकते हैं और डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamachar.com और urdu.watansamachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।